हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज का वीडियो है मिनी अमेज़न फाइंड के बारे में, और ये है मिनी कमोड जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही सुंदर है, और ये हर्षल के लिए लिया था मैंने। मैंने अमेज़न से ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें मंगाई हैं जो बड़ी ही यूज़फुल होती हैं, तो आज मैं वो दिखाऊंगी कि मैंने क्या वो छोटी छोटी चीज़ें मंगाई हैं जो घर में सबके घरों में बहुत ही यूज़फुल होती हैं वो छोटी छोटी चीज़ें। तो टोटल मैंने 5 से 6 चीज़ें मंगाई हैं, जिसमें से कुछ मेरे यूज के लिए है, कुछ हर्षल के यूज के लिए है, मेरे हस्बैंड के यूज के लिए तो कुछ भी नहीं है। एक चीज़ है वो यूज कर सक वो कॉमन है जो सब यूज कर सकते हैं, वो मैं दिखाऊंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड पहला प्रोडक्ट है मेरे पास जी, ये है कॉफ़ी फ्रॉथर। अगर आपको कॉफ़ी में ना झाग चाहिए ना, ये उसके लिए है, जो जिसको झाग वाली कॉफ़ी पसंद होती है ना, ये उसके लिए है। और ये बैटरी ऑपरेटेड है, इसमें आप 2 बैटरी लगाओ और ये चलने लगेगा, आप इसको फ्रॉथ करने लगेगा कॉफ़ी को, तो ये उस लिए है। तो और बहुत ही हैंडी है, आप अगर ट्रैवलिंग में जा रहे हो, कॉफ़ी का बहुत, आप कॉफ़ी के बहुत शौकीन हो। वैसे मैं कॉफ़ी की शौकीन नहीं हूँ, मैं चाय पीती हूँ, कॉफ़ी नहीं पी मैं, कॉफ़ी से मुझे वैसे एलर्जी है। तो मैं कभी कभी पहले कॉफ़ी पीती थी, तो मुझे वैसे कॉफ़ी पसंद नहीं है, लेकिन मैं कभी कभी पी लेती थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे कॉफ़ी से एलर्जी है। तो मैं डॉक्टर के पास गई, मेरे जो सिम्टम्स आते थे कि मुझे खांसी आ रही है, जो भी जैसा ही है, तो डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह किया था, तो उन्होंने बताया कि आपको कैफीन से ज़्यादा एलर्जी है। चाय से भी मुझे एलर्जी है, लेकिन चाय से कम एलर्जी है। चाय, उन्होंने बोला आप चाय ले सकते हो थोड़ा थोड़ा, लेकिन कॉफ़ी से तो आपको हाई एलर्जी है, तो कॉफ़ी अवॉइड करो। वैसे मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है, तो मुझे अच्छा हुआ कॉफ़ी से ज़्यादा एलर्जी है, चाय से नहीं है। चाय के बिना तो इंडियन वैसे बहुत कम ही रह पाते हैं, तो कॉफ़ी में पीती नहीं, हस्बैंड पीते हैं कभी कभी, तो उनके लिए ये यूज़फुल है। तो ये रहा। और सेकेंड प्रोडक्ट है मेरे पास ये सैनिटाइजर फिलर। ये है अगर आप बैग, आप जैसे ये लेडीज़ के लिए यूज़फुल है, अगर आप बैग पर्स वगैरह लेते हो उसमें जगह नहीं है, तो इसमें सैनिटाइज़र डालो और इसको ये खोल के और इसमें बैग में ऐसे क्लच कर दो ऐसे, तो वो टंगा रहेगा, वो दिखता रहेगा। और बड़ा ही ये प्यारा सा सुंदर सा था मेरे पास, यूनिकॉर्न का। तो मुझे बहुत अमेज़ॉन पे मैंने देखा तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा। तो इसमें का 3 है, और पता नहीं हर्षल ने खेल के 2 कहाँ रख दिए हैं, वो मुझे पता नहीं है। कलर है, ग्रीन है, पिंक है, और ये येलो है, ये एक ही दिख रहा था मुझे। और वो पता, वो कहता है मेरा है, हर चीज़ कुछ लाओ ना तो उसको वो बोलता है मेरा है मेरा है, पता नहीं खेल के कहीं रख दिया है। तो सेम ऐसे ही है, कलर डिफरेंट है, उसमें पिंक और ग्रीन कलर है। तो ये रहा, और ये बहुत ही यूज़फुल है। कोविड के बाद से तो सैनिटाइज़र मस्ट हो गया है, हर किसी के बैग में होता है। तो ये एक ये रहा मेरा यूजफुल फ्रॉम अमेज़न फाइंड। और नेक्स्ट है मेरा ही प्रोडक्ट है, ये मैंने मंगाया था, मेरे पास ना ये नहीं था, ट्वीज़र। मेरे पास दो ट्वीज़र थे, और ये छोटे छोटे से थे, पता नहीं कहाँ घूमेगा, मेरे सारे सामान गुम हो जाते हैं। तो मैंने सोचा मेरे पास एक भी नहीं है, तो मैंने ये एक मंगाया, जो कि बहुत ही लेडीज़ के लिए यूज़फुल होता है, ये सारी चीज़ें करने के, बीच के बाल निकालने के लिए तो बहुत ही यूज़फुल होता है, छोटे छोटे बाल निकालने के लिए, यहाँ से बाल आ रहे हैं तो यहाँ से निकालने के लिए, यहाँ से निकाल के, बहुत ही यूज़फुल होता है। और मैंने ये वेगा का मंगाया था, और ये भी यूज़फुल तो है ही, ये मिनी प्रोडक्ट है, बहुत ही यूज़फुल है। तो ये रहा। और नेक्स्ट है मेरे पास मेरा ही ब्यूटी प्रोडक्ट, और ये वाला जो है ना स्पॉन्ज, क्योंकि मेरे पास जितने स्पॉन्ज है ना वो सारे गंदे हो चुके हैं, मतलब कि वो अगर पाउडर है तो उसमें पाउडर से वो पूरा भरा पड़ा है, क्रीम है अगर वो क्रीम है तो क्रीम से भरा पड़ा है, कोई तो वो फाउंडेशन से ही भरा पड़ा है। तो मेरे पास ना एक क्लीन, बिल्कुल क्लीन मुझे चाहिए था ये स्पॉन्ज। तो मैंने इसको भी खोला भी नहीं है, इधर से खुलेगा, इधर से खुलेगा। तो ये भी मैंने वेगा का ही मंगाया था, क्योंकि मेरे पास एक ना ये चाहिए था मुझे, जो बिल्कुल कोई और प्रोडक्ट लगाने के लिए यूज़फुल हो, क्योंकि फाउंडेशन वाला तो फाउंडेशन के लिए यूज़ किया, पाउडर मैंने पाउडर के लिए यूज़ किया, कोई और प्रोडक्ट लगाना हो जैसे सेट करना है जो भी है, मतलब उस वाले स्पॉन्ज से मैं लगाती थी ना, तो उसमें सारे मिक्स हो गए थे, तो
वो मुझे ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि ये मंगा लेते हैं, क्लीन क्लीन सा रहेगा और इसको मैं अलग ही रखूँगी एकदम, ताकि ये हमेशा क्लीन ही रहे। तो ये मैंने वेगा, इसको ही मैंने वेगा का ही मंगाया और ये अच्छा है, बिल्कुल स्पॉन्ज, इसमें ना कुछ एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, ये ऐसा है। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट, और मेरे पास है 1 2 3 4, नेक्स्ट है मेरे पास फिफ्थ प्रोडक्ट, जो कि है किचन से रिलेटेड। ये भी बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही सुंदर सा क्यूट क्यूट सा ये प्रोडक्ट है। ये है ऐसा वाला, मैं खोल के दिखाती हूँ। ये छोटे छोटे से ना, जैसे सॉस रखने के लिए, चटनी रखने के लिए ना, ये बड़ा ही यूजफुल है। और ये प्योर ग्लास का नहीं है, ये ना कोई और मटेरियल है मेरे हिसाब से, इसमें लिखा भी नहीं कि मटेरियल कौन सा है। बिल्कुल हैवी नहीं है, हल्का है थोड़ा, ये जिसे ग्लास वाला होता है ना, वो टूटने का डर होता है ज़्यादा, लेकिन ये थोड़ा, ये भी टूटेगा, लेकिन जैसे ग्लास को ऐसा थोड़ा सा भी कुछ लग गया तो टूट जाता है, लेकिन ये नहीं टूटेगा, इसलिए ये अच्छा लगा मुझे। मैंने ना अमेजोन पे देखा था ना, मुझे ये बड़ा बड़ा दिख रहा था, इतना बड़ा बड़ा, तो मैंने ये बड़ा बड़ा सोच के मंगाया था कि चलो गेस्ट वगैरह आते हैं ना, खीर वगैरह या जो भी है स्वीट वगैरह देने में अच्छा होगा। तो इतना बड़ा नहीं, ये आया था इतना छोटा, ये कैमरे में भी बड़ा ही दिख रहा है, लेकिन ये है छोटा सा, इतना छोटा, सॉस वगैरह चटनी वगैरह देने के लिए, समोसे के साथ अगर खा रहे हो, समोसा पकौड़े के साथ सॉस और चटनी खा रहे हो, तो ये उसके लिए है। तो लेकिन लेकिन जब ये मुझे डिलीवर हुआ ना, तो मुझे बड़ा क्यूट सा लगा, प्यारा सा लगा, तो मैंने इसको रिटर्न नहीं किया, मैंने रख लिया, क्योंकि अगर ढूंढो तो मिलेगा नहीं, नहीं ढूंढा मैंने, कुछ और मैं ढूंढ रही थी, मुझे मिल गया ये, तो इसलिए मैंने रख लिया कि अगर मेरे दिमाग में आए कि मुझे छोटा सा चाहिए, लेकिन वो उस समय नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने सोचा कि इसको रख लेते हैं, और प्राइस भी सही था इसके हिसाब से, तो इसलिए मैंने ये रख लिया। और बहुत ही प्यारा था किचन पर्पज के हिसाब से, डाइनिंग टेबल वगैरह पे रखो तो बहुत ही सुंदर लगेगा। तो ये रहा मेरा स्मॉल कटोरी फ्रॉम अमेजोन। और नेक्स्ट प्रोडक्ट कुछ स्पेशल है, जो कि मेरे यूज का तो नहीं है, सिर्फ हर्षल के यूज का है। आप देखोगे तो आपको हंसी आएगी, मुझे भी हंसी आ रही है वो दिखाने में कि मैंने क्या मंगाया है हर्षल के लिए, क्योंकि वो बहुत बदमाशी करता है, बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट रहा मेरा, व्हाट इज दिस, ये है हर्षल का कमोड। मुझे हंसी आ रही है दिखाने में। ये अमेजोन से मैंने लिया था, और ये बहुत ना ऐसा ऐसा लग रहा है, मैं ना इसी किसी शो केस पे लगा के रखूँ ये कमबोर्ड, इतना सुंदर लग रहा है मुझे, क्या बताऊँ मैं, इतना सुंदर सा लग रहा है। ये अलग अलग पार्ट हैं, इसमें कुछ होता नहीं है, पानी वानी नहीं आएगा, बस शो के लिए है। हर्षल ऐसे ऐसे उसको पुश करके देख रहा था कहाँ से होगा, ये पुश बटन भी दे रखा है यहाँ पे, लेकिन ये पुश वगैरह नहीं होता, बस ऐसे ही बच्चों को बहलाने के लिए, तो वे ऐसे खोल के देख रहा था इसमें है क्या, इसमें कुछ नहीं है, बस ये हॉलो है, लिंक सुंदर सा है। और ये रहा इसका कमबोर्ड का पार्ट, और इसने एक चीज़ यहाँ अच्छा दे रखा है, ये कुशन टाइप का दे रखा है, ताकि बच्चे बैठेंगे ना तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, कुशन है। और ये अंदर से पूरा पूरा मतलब कि टू कॉपी है कमबोर्ड का, और ऐसा कमबोर्ड मुझे मिल जाए तो मैं तो दिन भर बैठी रहूँ। तो बहुत ही प्यारा सा था, और इसका पर्पज आप समझ ही गए होंगे कि मैंने इसको किस लिए मंगाया है। मंगाया तो हर्षल के लिए है, लेकिन वो बहुत बदमाशी करता है, मैंने उसके लिए ना जो सिर्फ ऊपर का होता है, जब वो 2 3 3 साल का था, तो सिर्फ ऊपर का ऐसा वाला थोड़ा अलग डिजाइन का था, ये बस तो ये तो सपोर्ट के लिए यहाँ पे, तो बस ये वाला होता है जो कमबोर्ड में लग जाता है बच्चों के लिए, मैंने वो वाला मंगाया था। मैंने उस पर बहुत ट्राई करवाया, लेकिन अभी तक हर्षल ने उस पर ट्राई नहीं किया है। वो जब भी जाता है ना, उसको मैं बैठा दूंगी ना, वो पोटी करेगा नहीं, और 2 दिन तक पोटी नहीं करेगा, तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम था, सबके लिए प्रॉब्लम, अगर पोटी नहीं करेगा तो बीमार पड़ेगा, तो इसलिए बहुत दिनों तक सोचा, इतना ट्राई कराया, लेकिन उसने नहीं किया, तो हर मान के हमें दोबारा ये मंगाना पड़ा। बहुत ट्राई करवा लिया, वो नहीं करता है, अगर मैं ज़बरदस्ती करूँगी तो 2 दिन 3 दिन तक वो पोटी ही नहीं करता है,
तो ये मैंने मंगाया है। अब इस पे ट्राई करके देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो मैं आपको शेयर करूंगी। और अब मैं आप सबको इसका इन सबका प्राइस बता देती हूँ। प्राइस क्या है, सबसे पहले मैं हर्सल के कम्बोर्ड का प्राइस बताती हूँ क्या है। ये अमेजोन से आया था, अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं लिंक दे दूँगी। ये था इसका 2000 रुपीज़ का 1999, 1 रुपये कम थे, 2000 रुपीज़ का ये था। अब देखते हैं कितना यूज़फुल होता है। 2000 रुपये मेरे वसूल होते हैं कि नहीं होते हैं, वसूल हो जाए तो बहुत अच्छा है। मैं उसको डरा डरा के वसूल करवाऊँगी 2000 रुपये। और ये आया था मुझे 450 के आसपास का प्राइस, थोड़ा सा इधर उधर डिस्काउंट के हिसाब से होता रहता है। तो ये 450 के 440 था, मतलब कि वही 450 समथिंग था इसका प्राइस। तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट था, तो उस पर 440 के आसपास मुझे ये पड़ा था। ये हो गया। और ये आया था मुझे 150 का। और नेक्स्ट था ये 249 में, ये मुझे आया था तीन, ये यूनिकॉर्न। सबसे प्यारा मुझे ये वाले प्रोडक्ट लगे, यूनिकॉर्न वाले। और नेक्स्ट ये तो सेम प्राइस होते हैं हमेशा, ये 110 रुपीज़ में ये था, और ये आया था मुझे 90 रुपीज़ में। तो ये रहे सबके प्राइस आज के प्रोडक्ट। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो। वैसे आप लोग बताते नहीं हो कमेंट बॉक्स में, लेकिन बता सकते हो। और हाँ, मैंने अमेजोन से ना दो चीज़ें और मंगाई थी जो मैं भूल गई थी बताना आपको, तो अभी मैं बता रही हूँ। पहला तो मैंने ये मंगाया था आइस रोलर, जो कि ये बहुत ही यूज़फुल है, और मैंने इसको रख दिया था इसमें पानी डाल के। तो जो कि अब देखो ये आइस रोलर, और मैंने पता है इसमें नॉर्मल पानी नहीं डाला, मैंने इसमें डाला है राइस वाटर। इसमें राइस वाटर को थोड़ी देर भिगो के और इसमें डाल दिया मैंने, और कितना अच्छा सा ये हुआ है। और मैं अभी इसको मसाज करूँगी। और पता है इसका इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जो कि आप कभी गूगल करना कि आइस फेस पे आइसिंग करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। जैसे ये सुबह सुबह उठते हो पफ़ी आइज हो जाते हैं वो है, और ब्रेकआउट्स होते हैं वो, इन्फ्लामेशन अगर आपकी स्किन पे हो रही है तो उसके लिए बहुत सारे फ़ायदे हैं आइसिंग करने का स्किन पे। आपको मतलब कि आइसिंग भी अगर आप कर रहे हो ना, तो बहुत ज़्यादा आइसिंग नहीं करनी चाहिए। आइसिंग एवरी डे 5 मिनट आइसिंग एनफ होता है स्किन के लिए। तो ये रहा मेरा ये प्रोडक्ट। और नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये ब्रश को ब्रश वॉशिंग पैड है ये। मैं जब मेकअप ब्रश गंदे हो जाते हैं ना, तो उसको वॉश करना होता है, तो उसको आप थोड़ा सा इसमें उसका जो मेकअप ब्रश वाले जो क्या होते हैं सोप होते हैं ना, उसको डाल के आप इसमें हल्के हल्के बहुत ही स्मूदली उस ब्रश को पता है रब करना होता है ऐसे ऐसे बहुत स्मूदली। तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है मेकअप ब्रश पैड। आइस रोलर आया था ये ना, पता है वो मेल्ट भी हो रहा है फटाफट, देख रहे हो मेल्ट हो रहा है। ये आया था मुझे 189, अभी इसका जो प्राइस दिखा रहा है ना 189 रुपीज़ में, मुझे शायद आया था 200 रुपीज़ में। और नेक्स्ट है तो ये आया था 200 रुपीज़ में, ये भी आया था 200 रुपीज़ में। अभी इसका प्राइस मुझे दिखा रहा है 189 रुपीज़। प्राइस थोड़ा अप एंड डाउन होता रहता है अमेज़ॉन पे, तो चलता रहता है। कुछ डिस्काउंट कभी कभी देते हैं कुछ, तो मुझे 20 रुपये 10 रुपये महंगे में 189 है, 10-11 रुपये महंगा मिला है। और ये तो ये रहा मेरा आज का प्रोडक्ट। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़। एंड तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।